उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री सहजाकांत मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, आईएनए बार एसोसिएशन, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, व्यापार मंडल, शिक्षक संघ और विभिन्न अन्य सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में हमारी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस धारा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर से 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है और इन सभी परियोजनाओं के लिए इस भूमि को एक बार नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को इन सभी परियोजनाओं को समर्पित कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजभूमि में हम सबको आने, यहां पर बसने, भगवान की इस लीला भूमि को देखने का सौभाग्य नजदीक से हम सबको प्राप्त होता है। एक लंबी विरासत है हमारे पास और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि होने के साथ ही राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीला की भूमि भी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से नदियां गंगा मैया का आशीर्वाद और यमुना मैया का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दुनिया का सांस्कृतिक आयोजन यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में कुंभ के रूप में होता है और हम सब इस बारे में जानते हैं। मां विंध्यवासिनी का धाम इस धरा से ही पवित्र स्थल का संबंध है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम ने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय जिस भूमि पर व्यतीत किया था, अब चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में है और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पवित्र स्थल भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। भाइयों बहनों, भारत की पूरे वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का कार्य जिस धरा पर हुआ था और नैमि सारण भी उत्तर प्रदेश में है और भागवत की पहली कथा भगवान श्री कृष्ण के ही परंपरा में उनके पौत्र को सुनाने का सौभाग्य जिस धरा पर प्राप्त हुआ था वह सुख तीर्थ भी उत्तर प्रदेश की धरती पर है और उस धरा पर हम सबको न केवल जन्म लेने का बल्कि अपनी कर्म भूमि के माध्यम से यहां पर सेवा का अवसर प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्मों के पुण्यों का यह संस्कार है। आज हम सबको इस धरा पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की धरा को पूरी दुनिया आज बड़ी कौतूहल की नजरों से देख रही है। उत्तर प्रदेश नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति पूरी दुनिया आज इसकी ओर आकर्षित हो रही है और उसी में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में, तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए और ये सौभाग्य जहां नगर निगम के रूप में बनाने का
हमें प्राप्त हुआ। मैं आभारी हूं कि आपने पहला नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का गठन करके दिया था। बोर्ड गठन होने के बाद फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के विकास के माध्यम के गठन के माध्यम से विकास की इन सभी परियोजनाओं को आगे किया गया। और भाइयों बहनों, आज जितनी परियोजनाएं यहां पे चालू स्थिति में है या पाइपलाइन में है या प्रस्तावित की गई है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो इस ब्रज भूमि के विकास के साथ जुड़ने वाली है। आप देखना कि जो विकास की अभिलाषा थी स्वतंत्र भारत में ब्रज भूमि की, उस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आया है। इसलिए विकास की प्रक्रिया रुकने न पाए, थमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए, इसी के लिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद बनाने के लिए और आपने नए नगर निगम गठन होने के बाद इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 8 महीने पहले और 8 महीने पहले आपने अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। प्रदेश में उन सभी जो लोग चुनावी विश्लेषक थे, राजनीतिक टिप्पणियां क्या करते थे, उसमें विराम लगा करके एक बार फिर से प्रिंटों में साबित किया कि वह धर्म के साथ, अत्याचार के साथ, अन्याय के साथ, शोषण के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। उसका तो इतिहास ही अन्याय के खिलाफ लड़ने का रहा है, धर्म के खिलाफ लड़ने का रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का रहा है। और ब्रजभूमि ने साबित करके अपने आप को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भैया बहनों, पिछले 5 साल में आपने बदलते हुए ब्रजभूमि को देखा है। मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, बलदेव है, ये सभी तीर्थस्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप विकास की जब हम बात करते हैं भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी राज्य से ज्यादा सुंदर भी है और ज्यादा स्वच्छ भी है। आज इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। विकास आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के अंदर आज उसकी कोई सानी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं 4 लेन के कार्य हो रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस हाईवे के काम हो रहे हैं, कहीं पर वाटरवे का निर्माण हो रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, रोपवे का निर्माण हो रहा है। सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। हमारा मानना है ये विकास अपनी एक विरासत को संरक्षित करते हुए, ये विकास ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नौजवानों के हाथों को कार्य देगा, अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि करेगा और उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, इनके व्यवसाय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। और उसमें आपका मथुरा वृंदावन नगर निगम ने भी जो प्रगति की है, कोई सोच सकता था पहले शहरी क्षेत्र में? हमने तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कार्य किया और महामारी के प्रकोप से आम जनमानस को अप्रभावित रखने का पूरा कार्य किया कि उसके ऊपर कोई भी बहुत प्रभाव न पड़े। दुनिया जब लेट गई थी इस महामारी के सामने, पस्त हो गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत कोरोना के खिलाफ जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा था वो आपके सामने, दुनिया के अंदर कहीं फ्री टेस्ट नहीं, दुनिया के अंदर कहीं फ्री उपचार की व्यवस्था नहीं थी,
दुनिया के अंदर कहीं फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था नहीं थी, दुनिया के अंदर कहीं भी फ्री में राशन की सुविधा नहीं थी। अलग अलग तबके के लिए अलग अलग योजनाएं, स्ट्रीट वेंडर के पीएम स्वनिधि योजना जैसी योजनाएं दुनिया के अंदर नहीं आई थी। आज दुनिया के अंदर जब आपके सामने आते हैं भाइयों बहनों, हमें देख के आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने अपने यशस्वी नेतृत्व और दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता से भारत को कितनी बड़ी महामारी से बचाया। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी जगह कोविड के कारण, उसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण, उसका जो साइड इफेक्ट है, कहीं भूखमरी से लोग मर रहे हैं, कहीं पर सत्ताएं पलट रही है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में 140 करोड़ लोगों को जीवन और जीविका को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश ने उस मॉडल को लागू किया, आज उत्तर प्रदेश विकास के एक नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है और विकास के इस मॉडल को लागू करने के लिए मुझे बार बार अपने जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर आना पड़ता है, आपके बीच में आना पड़ता है। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से 10 शहर चिन्हित थे, हमने इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो बाकी 7 नगर निगम बचे थे उसमें मथुरा वृंदावन भी था, हमने मथुरा वृंदावन को भी इसके साथ जोड़ा और मथुरा वृंदावन के साथ अन्य नगर निगमों को इसके साथ जोड़ते हुए उनके कार्य प्रारंभ किया। ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो हम लोग ICCC बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यह न केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बल्कि इसने कोरोना कालखंड में एक और कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन कार्य किया, उसकी मॉनिटरिंग की, दूसरी तरफ कोविड प्रबंधन का काम भी किया। कोरोना कालखंड में तुम्हें दो दो बार यहां आया था, आपने देखा होगा मैं जाता था उन लोगों के घर में भी अपने विधायक और सांसदों के साथ मिलकर के, जिन घरों में कोरोना महामारी का कोई बीमार रहता था, कोई पीड़ित रहता था, वहां जाके हालचाल लेते थे। कितना बेहतरीन कार्य स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, ENL, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब ने मिलकर के टीम भाव के साथ एक एक व्यक्ति के जान को बचाने का कार्य किया। लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कूड़ा प्रबंधन और कोविड प्रबंधन का कार्य हम लोगों ने ICCC के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं और अब ICCC का उपयोग हम कहां करने जा रहे हैं। ICCC का उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ मथुरा वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ स्थलों को सेफ सिटी के रूप में भी, हर एक व्यापारी को, हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसका उपयोग करने जा रहे हैं। सेफ सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश के 18 साल सेफ सिटी के रूप में विकसित हो चुके हैं और अब उसका उपयोग, तकनीक का उपयोग करते हुए कहीं कोई सौदा, कोई अपराधी, कोई दुस्साहस नहीं करने पाएगा और दुस्साहस करेगा तो फिर अंजाम भी भुगतेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बताने के लिए, आज आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ओर परिवर्तन है, लोगों के मन में एक विश्वास है। हमारे जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए MSME उद्यमी है, आज उन्होंने अच्छा काम प्रारंभ किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट दुगना हुआ है, दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट घटा है, उत्तर प्रदेश का बढ़ा है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं जो हमारे सामने थी। आपने देखा होगा अभी लाभार्थियों को यहां पर मंच पर हम लोग सम्मानित कर रहे थे। शहरी क्षेत्र में गरीब को भी पैसा मिलेगा आवास के लिए, एक सपना था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में हर गरीब को 2.5 लाख रुपए की राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के देती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार देती है, 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर गरीब को उपलब्ध होता है।
भाइयों बहनों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर के बारे में पहली बार योजना बनी। पटरी व्यवसायी, ठेला, ऊंचा, रेड़ी लगाने वाला व्यक्ति कोई नहीं पूछता था। कहीं पुलिस मारती थी, कहीं नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, उसका कोई प्रोत्साहन नहीं था, सबका व्यापार छिन गया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख पटरी व्यवसायियों को हम लोगों ने ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई है और ब्याज फ्री लोन के माध्यम से इन 45 लाख लोगों को, जिनमें 9 लाख पटरी व्यवसायी है, परिवार में अगर 5-5 लोग भी होंगे तो भाइयों बहनों, इन 45 लाख लोगों के स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नया मंजिल दिया है। यह एक नया प्रयास है। फ्री में न केवल रसोई गैस का कनेक्शन बल्कि सौभाग्य योजना के अंदर विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए। झूलते हुए लटकते हुए तारों के गुच्छे से मुक्ति करने के लिए आपकी आईपीडीएस के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से एक नई व्यवस्था दी गई। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से दुनिया काया में स्ट्रीट लाइट की चमकती हुई रोशनी में आज हर व्यक्ति इसका आनंद ले सकता है। बदलता हुआ तस्वीर है और एक हमारा सौभाग्य है, कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान जब पूरी दुनिया अस्त थी, तब यहीं पर हम लोगों ने यमुना मैया की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, राधे रानी की कृपा से कुंभपूर्व वैष्णो कुंभ बैठक का आयोजन भी यही इसी धरती पर किया था। भाइयों बहनों, लोग बोल रहे थे कैसे होगा, हमने कहा बांके बिहारी की कृपा होगी, यमुना मैया की कृपा होगी, राधे रानी की कृपा होगी, कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती है। और विघ्न बाधा को दूर करते हुए कितनी भव्यता के साथ हुआ, वो जो संतों का आशीर्वाद, इतना भव्य आयोजन हुआ था। आज भाइयों बहनों, 822 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस ब्रज भूमि से जुड़ी हुई है, मथुरा से, वृंदावन से, बरसाना से, नंदगांव से, बलदेव से, इस सभी तीर्थों से जुड़े हुए पूरे मथुरा जनपद के विकास में जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इन विकास की योजनाओं में नगरीय जीवन में बुनियादी सुविधाओं से लेकर के फ्लाईओवर, ब्रिजेज, मार्गों के निर्माण से लेकर के अन्य गो संरक्षण केंद्र से लेकर के स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो, स्कूल और कॉलेज के निर्माण का हो, इन सब के लिए धनराशि या तो इसमें पूरी दी जा चुकी है या उसका शिलान्यास का कार्य आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया थमनी नहीं चाहिए। जिस एक प्रगति को हम लोगों ने पकड़ा है, यहां पे बोर्ड ने नया बोर्ड का गठन होने और फिर कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्रारंभिक रूप में थोड़ी बहुत पहले प्रारंभिक समस्याएं रही होंगी क्योंकि नया बोर्ड गठित हुआ था, लेकिन भाइयों बहनों, बोर्ड ने बाद में अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया था। और मेरी आप सबसे अपील होगी, बोर्ड जब विकास के लिए कार्य कर रहा था, स्वच्छता के नए नए मानक प्रतिमान स्थापित कर रहा था, विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था, मेरा तय मानना है अगर जगह जगह सीवर कनेक्शन, सीवर लाइन ब्रिज, हर परिवार को सीवर लाइन का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाए, एसटीपी के साथ जब उसे जोड़ देंगे तो मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास जितने भी हमारा पूरा जनपद है, इस जनपद का एक बूंद भी सीवर और ड्रेनेज यमुना मैया में नहीं गिरेगा, या यमुना अपने आप ही अविरल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। और हमारा प्रयास है आज यहां पर यहां का नगर निगम नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से तमाम एसटीपी ने जो कार्य यहां पर किए गए, जो नाले टेप किए गए, सीवर को उसमें डाइवर्ट किया गया, उससे जो इसके बाद पानी निकलता है उसको यहां पर हम लोग यहां की प्रेरणी जो है उसको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं और यहां पर ये सारे कार्य हो रहे हैं, यानी वहां पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा। लेकिन यमुना जी में कोई गंदा
सुंदरीकरण की नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। विकास के बुनियादी कारण को आगे बढ़ाने के साथ साथ परिक्रमा पथ को सुदृढ़ किया जा रहा है, किसी को भी परेशानी ना हो। एक तरफ लोक कल्याण के कार्य और दूसरी तरफ हम लोग विकास की प्रक्रिया को इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। कॉमन मैन से लेकर के एक सामान्य नागरिक से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज इस तीर्थ स्थल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है, और इसीलिए इन सभी कार्यों में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। स्थानीय निकाय की संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। हमारे प्रबुद्ध जनों को इस पूरी प्रक्रिया के साथ वे जुड़ते हैं, उसके लिए माहौल बनाते हैं, और मेरी आप सभी प्रबुद्ध जनों से और कार्यकर्ताओं से मेरी अपील होगी, हम अभी से माहौल बनाएं। डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है, डबल इंजन की सरकार के सहयोग से तीसरा इंजन भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहिए, और तीसरे इंजन के लिए स्थानीय निकाय संस्थाओं में फिर से अच्छा बोर्ड गठित हो, इस अपेक्षा के साथ आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। दूसरा भाइयों बहनों, विकास की प्रगति जब होती है तो विकास की प्रक्रिया के साथ हम लोग किस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा तो यहां पे किसी कालखंड में रिफाइनरी यहां स्थापित हुई, विकास की प्रक्रिया के साथ उसने यहां जुड़ा था। यहां पर तमाम मठ मंदिर है, वे करोड़ों श्रद्धालुओं को यहां आमंत्रित कर देते हैं, वहां पर आते हैं, लोग आते हैं, बुनियादी सुविधाएं चाहिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, हम सबको इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना होगा। गो संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र आज भी ब्रजभूमि बनी हुई है, कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। गो सेवा का कार्य 5000 वर्षों से ब्रजभूमि कर रहा है, और आज उसे हमने बायोफ्यूल के साथ भी जोड़ने का कार्य किया है, नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, एक महीने और दूसरा निवेश की प्रक्रिया के साथ इसको जोड़ना, विकास की जो प्रक्रिया है वह निवेश के साथ जोड़ सके। मेरी यहाँ के उद्यमियों के साथ, व्यापारियों से, प्रबुद्ध जनों से, समाज के उन सभी मानितों से मेरी अपील होगी, हम यहाँ पर भी हर एक सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को तलाशें। ब्रजभूमि तीर्थ भूमि है, तीर्थ विकास के साथ साथ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एमएसएमई के सेक्टर में और भी तमाम अन्य क्षेत्रों में बहुत कुछ यहाँ पे लाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। उस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ सके, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि हम लोग 10 से 12 फरवरी 2023 को एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया। अभी से जनपद स्तर पर इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं कि कौन कौन जनपद में कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती है। अच्छा विश्वविद्यालय बनाना, अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाना, अच्छा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बना देना, मंदिर और किसी तीर्थ स्थल के विकास के कार्यक्रम को, अच्छा वहां पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का या अच्छा धर्मशाला का निर्माण करना, अच्छे होटल का निर्माण करना, या फिर किसी भी अन्य सेक्टर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य। आज आप देखते होंगे जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलती होंगी, कितना शांति के साथ बस चलती है, कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, यहाँ के विकास में योगदान दे रही है, इसमें भी निवेश की संभावना है। तमाम सेक्टर में जहां निवेश कर सकते हैं, और इसके लिए मैं चाहूंगा हर एक सेक्टर में निवेश की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उन संभावनाओं के साथ जो भी जुड़ेगा राज्य सरकार उसमें उनको भरपूर सुरक्षा भी देगी, और राज्य सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने, उसके माध्यम से हर प्रकार की सुविधा तक पहुंचाने के लिए सरकार कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर जब यहाँ पर विकास की परियोजनाओं और यहाँ के प्रबुद्ध जनों, यहाँ के लाभार्थियों को मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, ब्रजभूमि को
देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर भाग्य बिहारी की कृपा, राधे रानी की कृपा, यमुना मैया की कृपा निरंतर हम सब पर बनी रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की।